एक महात्मा का एक शिष्य था। वह शिष्य जवान था और उसकी उम्र 20 साल की थी। वह शिष्य रोज भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन रास्ते में उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का जो 16-17 साल का होगा, पेड़ के पीछे से छिपकर किसी चीज को देख रहा था। वह शिष्य उस लड़के के पास गया और उस लड़के से कहा, मित्र, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? उस लड़के ने उस शिष्य से कहा, आओ तुम भी देखो, परियां कैसे नदी किनारे खेल रही हैं। शिष्य ने नदी की ओर देखा, वहां पर कुछ लड़कियां नदी किनारे कपड़े धो रही थी। शिष्य ने कहा, मित्र, लड़कियां कपड़े धो रही हैं, तो इसमें छिपकर देखने जैसा ऐसा क्या है जो तुम इसे छिपकर देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा तुम्हें? जरा उनके अंग अंग को तो देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर से नदी की ओर देखा और वह देखता ही चला गया। अभी तक जहां वह पूरी तरह से निर्भय होकर बिना डरे खड़ा हुआ था, अब इस तरह से देखने के बाद वह शिष्य भी छिपने लगा, जैसे कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वह शिष्य अंदर से कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया, मैं ये क्या कर रहा हूँ? यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह शिष्य तुरंत ही उस लड़के के पास से वहां से चला गया। वह शिष्य अपने गुरु के आश्रम पहुंचा और अपने आश्रम के कार्यों में लग गया। लेकिन जो उस शिष्य ने वहां नदी किनारे देखा था, वह उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मन में बार बार वही चल रहा था। उस शिष्य का मन वही उस नदी किनारे जाने के लिए बार बार ललायित हो रहा था। अब वह शिष्य रोज जल्दी से भिक्षा के लिए निकल जाता था और वहीं उसी लड़के के साथ नदी किनारे छिपकर उन्हीं लड़कियों को देखता, और ये रोज का काम हो गया था उस शिष्य का। उस शिष्य का मन आश्रम के कामों में नहीं लग रहा था, वह हर काम को आधा अधूरा कर रहा था। वह शिष्य अलग ही दुनिया में खोया रहता। जब गुरु उस शिष्य को शिक्षा दे रहे होते, तब भी उस शिष्य का मन वहां नहीं होता। उस शिष्य के गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। इसीलिए एक दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अब हम दोनों रोज साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अकेले ही भिक्षा ठीक से मांग सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही जाओ। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु भी शिष्य को देखने के लिए कि वह शिष्य आखिर जाता कहाँ है, किससे मिलता है, ये सब देखने के लिए उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पर गुरु ने देखा कि उसका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो अपने कपड़े धो रही हैं। गुरु ने कहा, शिष्य, क्या इन लड़कियों से भी भिक्षा लेनी है? अपने गुरु की आवाज सुनते ही वह शिष्य पूरी तरह घबरा गया, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उस शिष्य की हालत खराब हो गई, वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का वहां से भाग गया। उस शिष्य के मुंह से गुरु के सामने टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वह गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, निडर था, उसे किसी का भी डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है गुरुदेव, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं अब ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार जल्दी ना सही धीरे धीरे वैसे ही होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो। वह शिष्य फिर से अपने आश्रम के काम पर ध्यान देने लगा। उस शिष्य ने उस रास्ते को भी छोड़ दिया, वह दूसरे रास्ते से जाता। वह अपना काम बहुत ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी।
वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करता। वह बहुत ही बेचैन रहता हमेशा, और ना ही वह शिष्य सही समय पर भोजन करता। उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तक कितनी बार तुम अपनी शपथ तोड़ चुके हो। यह सुनते ही शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और गुरु के सामने रोते हुए बोला, गुरुदेव, कई बार मैं उस शपथ को तोड़ चुका हूँ। उसके बाद कई और बार भी शपथ ले चुका हूँ, लेकिन हर बार वे शपथ टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता तो हूँ अपने मन से इन सब बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। गुरु ने शिष्य को नीचे से उठाया और आश्रम से बगीचे की ओर उस शिष्य को ले गए और उस शिष्य से कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी लगातार एक बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस नाली के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ, क्यों नहीं गुरुदेव। शिष्य ने कुछ रेत उठाकर उस नाली में डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से उस रेत के ऊपर से वह पानी निकल गया। गुरु ने कहा, अरे, ये पानी तो रुका ही नहीं। शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर इकट्ठे किए और उस नाली में डाल दिए और पानी थोड़ी और देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से उन कंकड़ पत्थर के ऊपर निकल गया। गुरु ने कहा, शिष्य, ये क्या? अगर मैं शपथ लूं कि मैं इस पानी को रोक दूंगा तो क्या मैं नहीं रोक सकता? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं आपकी शपथ अभी पूरी कर देता हूं। इस पानी को तो मैं रोक ही सकता हूं। शिष्य एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसने उस नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। शिष्य ने गुरु से कहा, देखा गुरुदेव, पानी रुक गया, आपकी शपथ पूरी हुई। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, ध्यान से देखो, पानी रुका है, वह पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और आसपास की तरफ से बह रहा है, और अब वो पानी उस पत्थर के आगे भी आ गया है और अपना रास्ता बदलकर फिर आगे की ओर बह जाएगा। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ भी तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और हर बार उससे बड़ी शपथ ले रहे हो, और हर बार तुम्हारी शपथ तुम्हारी कस्में टूट जाती है और ये हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य बहुत निराश हो गया और कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जो मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और मैं सही रास्ते पर चल सकूं, बुरे विचार मेरे मन में ना आए। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से वो पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, ये पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जिससे ये पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हमारी शपथ पूरी हो सकती है? शिष्य ने कहा, हाँ, अवश्य गुरुदेव, ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे पानी जाएगा ही नहीं और आपकी शपथ पूरी भी हो जाएगी। शिष्य ने नदी से निकलने वाले रास्ते को भरपूर मेहनत करके पत्थर डाल डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा, देखो गुरुदेव, हो गया, अब आगे पानी नहीं जाएगा। गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी आगे नहीं जाएगा तो उन पेड़ पौधों का क्या होगा जो बगीचे में लगे हैं? उन्हें तो पानी चाहिए, और उनमें से कई पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिन्हें रोज पानी चाहिए। वे तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। शिष्य ने वापस नदी से जाने वाले रास्ते को पूरी तरह खोल दिया। गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को और अधिक खोल दें, दो गुना ज्यादा, दो गुना, चार गुना या दस गुना, या पूरी नदी का पानी ही बगीचे की ओर मोड़ दें, तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, तब तो गुरुदेव, बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सारे के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तो समझो इस बात को मेरे भाइयों, अब आप भी इस बात को गहराई से समझ लेना। वो गुरु कहते हैं, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, हमें शपथ लेकर कस्में लेकर उस पर पत्थर नहीं डालने हैं, हमेशा संतुलन कायम करना है। ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं और कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है तो संतुलन से, सही जीवन चलता है तो संतुलन से। मन को इस पानी की तरह नियंत्रित यानी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन की शक्ति को एक दिशा देने की आवश्यकता है।
जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और नष्ट भी हो सकता है, उसी तरह मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है और हमारा पतन भी हो सकता है। शिष्य ने गुरु से कहा, लेकिन गुरुदेव, हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें मैं कैसे रोकूं? गुरु ने कहा, रोकने की जरूरत ही नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे ही कारण हैं। उन कारणों पर चिंतन करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने नदी का पूरा पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसलिए हर तरफ अब तुम्हें पानी ही पानी दिखाई देता है। कोई जीवन नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल पानी, यानी काम वासना का पानी ही पानी चारों तरफ सुनामी की तरह दिख रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें थी। मुझे कुछ बनना था, अपने बारे में जानना था, अध्यात्म की ओर बढ़ना था, लोगों की मदद करनी थी। मैं कुछ अलग होना चाहता था और मैं अपने मार्ग से भटक गया। अब मेरी सारी ऊर्जा केवल एक ही चीज पर केंद्रित हो गई है और वो है वासना पर। मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। उस दिन वह शिष्य रात को बहुत चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्य को शिष्य ने पूरे मन से किया और भिक्षा लेने भी उसी रास्ते से गया जहां वह दूसरा लड़का उस पेड़ के पीछे आज भी छिपा हुआ था। वह शिष्य उस नदी पर ही पहुंचा जहां पर वे लड़कियां कपड़े धो रही थी। उस शिष्य ने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण स्पर्श किए। शिष्य ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया हो। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते पर चल दिया, उसी निर्भीकता के साथ, उसी निडरता के साथ जैसे वह पहले जाता था। पीछे से वही लड़का जो छिपकर पहले देखता था उस शिष्य के पास आया और उस शिष्य से कहा, क्या बात है, आज तो तुमने उन सुंदर सुंदर लड़कियों के नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक ऐसे ही पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? किसी लड़की को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करे तो शादी कर लो, लेकिन इससे पहले कुछ बन जाओ, अपनी कोई पहचान बनाओ। यूं ही अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत करो। वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने उस नदी किनारे जाना भी छोड़ दिया और वह अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। संगति का असर कहीं ना कहीं होता ही है, इसलिए अभी पहले अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। अगर तुम खुद बदल रहे हो तो अपने आप को बदलते हुए देखो कि यह सही है या गलत। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप को दोषी मत मानना। आत्मग्लानि में अंदर ही अंदर मत जीना। ये शरीर है और ये सब आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये इसने हजारों वर्षों में सीखा है। एक केवल तुम्हारे संकल्प या कसम खाने से या शपथ ले लेने से ये सब टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका सही और संतुलित उपयोग करने से तुम एक हरा भरा बगीचा तैयार कर सकते हो। मेरे भाइयों, यहां मैंने जैसे ही तुम्हें संगत के बारे में बताया तो यहां ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बुरे या गलत लोगों से भागने या छुपने के लिए कह रहा हूं। बात मेरी समझो, बचपन से ही बीज गलत गए। बीज गलत है इसीलिए तुम्हें जिन बीजों का तुम्हारे अंदर निर्माण हुआ, अगर सामने कोई चीज ऐसी आती है तो तुम उसी चीज का ही पक्ष लोगे। अभी मैंने संगत इसलिए कहा क्योंकि पहले से ही संगत खराब है। तुम्हारे अंदर दो चीजें होती हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। जिस चीज के बीज ज्यादा होंगे तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे आचरण में, वही झलकेगा और तुम साइड भी उसी की लोगे। गौतम बुद्ध अगर पहले से ही ऐसी संगत में होते जो मांसाहार और दर्द भरे लोग होते हैं, अगर ऐसी संगत में होते तो शायद आज गौतम बुद्ध नहीं होते। अगर तुम बचपन से उन्हें पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जानवरों के साथ, जीवों के साथ अकेले इस तरह से समय बिताते थे। अगर स्वामी विवेकानंद बचपन से ही गलत संगत करते तो आज वो स्वामी विवेकानंद नहीं होते। उन्होंने सही गुरु की संगत की, सही पुस्तकों की संगत की, और पुस्तकों के बारे में तुम जानते हो कि स्वामी विवेकानंद कितनी किताबें पढ़ते थे।
जैसे ही तुम्हारे अंदर विशाल पेड़ बन जाए इस ज्ञान के, जैसे ही तुम्हारे अंदर बाकी सारे पर्दे खुल जाए, उसके बाद तुम कैसी भी संगत करो, फिर तुम मिलने के नहीं हो उसमें। लेकिन पहले तुम्हें बीज सही ही करना पड़ेगा, संगत गलत छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बचपन से गलत ही मिला है तो सही कहां रहा। अगर सही मिलता तो कहता कि हाँ गलत में जाओ। जब पहले से गलत आया है संगत का असर, तो फिर तुम सही को पक्ष कैसे करोगे, तुम तो गलत की ही साइड लोगे। इसीलिए तो यहां मैं बचने और भागने के लिए नहीं कह रहा, ध्यान से बात को समझना। और वीडियो लंबी हुई है मुझे पता है, लेकिन अगर गहराई से नहीं समझोगे तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर फायदा क्या। अगर समझ में ना आए हो तो दोबारा देखो। और जिस भाई ने यहाँ तक वीडियो देखी है बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत कम वीडियो अंत तक देखते हैं क्योंकि संयम नहीं है, उन्हें देखने में कोई मजेदार वीडियो चाहिए। लेकिन जिन भाइयों ने यहाँ तक देखा है दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिन भाइयों ने यहाँ तक देखा है कमेंट में जाकर लिखो, पवन भाई कसमें खाकर मैं कभी भी नासमझी नहीं करूँगा। पवन भाई मैं कसमें खाकर कभी भी नासमझी नहीं करूँगा। और अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। और जो भाई शेयर करते हैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।